वेलकम चिल्ड्रेन, सरस्वती मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को समस्त को सुस्वागत। आज आम वीडियो रे पढ़ा नवोदय एंट्रेंस टेस्ट दवापी प्रस्तुत होता पाई वीडियोटी एम पढ़ा दूरता समय और बेग। दूरता समय बेग विषय कनसेप्ट आतक क्वेश्चन विषय आलोचना करवा। तबे दूरता कौन, समय आउ बेग कौन हला। दूरता हला गोटे वस्तु, सपोज तुम्हें तुमर स्कूल रु घर सबुदिन स्कूल को जाऊ, घर तुम घर ठारु तुम स्कूल रो दूर जिते रास्ता कहा दूरता हला। तबे समय आम जानचे से घर ठारु स्कूल को जीवापी जो समय लगे कहा समय, जी समय लगे एवं बेग हला। आम बेले बेले स्कूल रे घर बाहर बेलू लेट हो जाए, तेणुक आम कौन करे शीघ्र शीघ्र जाऊे द्रुत गति एवं जदि ठीक समय रे बाहर ताहले आम धीरे धीरे जाऊे, तेणु यहाँ हूँ आमर बेग है। तमाने बेग कहले कौन ना गोटे वस्तु प्रति एकक समय रे सीटा एक सेकेंड हो बा एक मिनिट किंबा एक घंटा प्रति एकक समय रे हला अतिक्रम करुवा दूरता को उक्त वस्तुर बेग कहा जाए हला। एक सेकेंड रे वस्तुटी जिते दूर अतिक्रम कर सेकेंड प्रति बेग, एवं एक मिनिट रे वस्तुटी जिते दूर अतिक्रम कर मिनिट प्रति बेग, एवं एक घंटे जिते दूर वस्तुटी अतिक्रम कर घंटा प्रति बेग। दुई नंबर अच्छे कौन सी वस्तु जदि एक सेकेंड रे 20 सेंटीमीटर दूरता अतिक्रम करे तेबे वस्तुर बेग को आम 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, जेहेतु एक सेकेंड रे से केते 20 सेंटीमीटर दूर अतिक्रम करछि तेणु तार बेग हम 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है। अर्थात एक सेकेंड रे वस्तुटी 20 सेंटीमीटर अतिक्रम करछि। सेमती जदि एक मिनिट रे वस्तुटी 15 मीटर दूरता अतिक्रम कला तेबे से वस्तुर बेग हम 15 मीटर प्रति मिनिट, कारण एक मिनिट रे जाए 15 मीटर, तेणु 15 मीटर प्रति मिनिट। सेमती कौन सी वस्तु जदि एक घंटे 25 किलोमीटर दूर अतिक्रम कला ताले ताकु कहा से वस्तुर बेग हम 25 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात घंटे घंटा करे से 25 किलोमीटर दूर अतिक्रम करे हला। फॉर्मूलाटी है कौन, बेग समाने दूरता विभक्त समय। बेग समाने दूरता विभक्त समय जहाँ को आम संक्षेप लिखिपर बेग स्पीड एस इज इक्वाल टू डी बाय टी। सेमती समय समान दूरता विभक्त बेग, इटा को मध्य आम सेमती टी इज इक्वाल टू डी बाय एस एमती कही परिवा। आओ दूरता बाहर करिया पे सूत्र होती कौन बेग गुण समय हला। बोले डी इज इक्वाल टू एस इंटू टी, तेमें यही सब फर्मूला को व्यवहार करी हमें केतेक प्रश्न रही तार समाधान करवा। जदि मोर चैनल को सब्सक्राइब करना आहरी भल भिड जानापी चैनल को सब्सक्राइब करवा, एवं चैनल टी को ये वीडियो टी को संपूर्ण देखिबा। इथरे अनेक तथ्य रही जहाँ एंट्रेंस टेस्ट रे साहाज्य करिवो। ठीक अच्छे एवं आम आरंभ करवा। देख एक नंबर प्रश्न, घंटा को 45 किलोमीटर बेगरे गति करुथिबा एक रेलगाड़ी 4 घंटे केते बाट जीव। देख आम ये कौन देना ये गणित रे
ରେଳଗାଡ଼ିର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ହେଲା, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ଦେଇଛି। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ହେଉଛି କେତେ ନା, ସ୍ପିଡ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 45 କିଲୋମିଟର କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର। ଆଉ ସମୟ ଦେଲା 4 ଘଣ୍ଟା, ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 4 ଘଣ୍ଟା। ତାହେଲେ କେତେ ଦୂର ଯିବ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାହାର କରିବା। ତେଣୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ନା, ସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟାଇମ୍। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 45 × 4 × 4 × 4 4 × 5 = 20, 0 ରଖିଲା 2 × 4 = 16, 2 = 18 ବୋଲେ 180 କିଲୋମିଟର ଗତି କରିବା। ଆମର ସି ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍ ଅଛି। 2 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ରେଳଗାଡ଼ି ଘଣ୍ଟାରେ 72 କିଲୋମିଟର ଗତି କରେ। ଯଦି ସେ ରେଳ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଛାଡ଼େ, ତେବେ 180 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଷ୍ଟେସନରେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ। ଦେଖ, ଏଠି ଟ୍ରେନର ବେଗ ହେଉଛି 72 କିଲୋମିଟର ହେଲା, ସ୍ପିଡ୍ ହେଲା 72 କିଲୋମିଟର, ଏବଂ ସେ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ଷ୍ଟେସନରୁ ବାହାରିଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି 180 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, ତାହେଲେ ସେ ଷ୍ଟେସନରେ ସେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ। ଦେଖ, ଏଠି ସ୍ପିଡ୍ ହେଲା s = 72 କିଲୋମିଟର, ଏବଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ 180 କିଲୋମିଟର, d = 180 କିଲୋମିଟର। ତାହେଲେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ 180 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ, ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିବା। t = d/s ବୋଲେ 180/72, ଆଉ କଟାକଟି କରିଦିଅ, 9ରେ କାଟିଦେଲେ 180କୁ 9 × 2 = 18 ଗୋଟେ 0 = 20, ପୁଣି 72କୁ 9ରେ କାଟିଲେ 9 × 8 = 72 ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ, 4ରେ କାଟିଦିଅ, 4 × 5 = 20 ଆଉ 4 × 2 = 8 ବୋଲେ 5 / 2 ଘଣ୍ଟା, 5 / 2 ଘଣ୍ଟା କହିଲେ କେତେ, ତାକୁ ଆମେ ମିଶ୍ର କରିପାରିବା। ମିଶ୍ର କଲେ 2 × 2 = 4 ବୋଲେ 2 × 1 = 2 ଘଣ୍ଟା, ଅର୍ଥାତ 1 = 2 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ହେଲା। ତାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିବ 180 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା, ଅନ୍ୟ ଏକ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେ ବାହାରିଛି କେତେବେଳେ ନା, 2ଟା ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ବାହାରିଛି। ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ତାହେଲେ ପହଞ୍ଚିବ କେତେରେ ନା, 2 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ପରେ। ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ପରେ 2 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍, 2ଟା ପରେ 4ଟା 30, ତାହେଲେ ସେ କେତେ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବ ନା, ଅପରାହ୍ନ 4ଟା 30 ହେଲା। ଅପରାହ୍ନ 4ଟା 30 ଆମର ଡି ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ର ବେଗ 36 କିଲୋମିଟର/ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ଏହାର ବେଗ m/s କେତେ ହେବ। ଦେଖ, 36 କିଲୋମିଟର/ଘଣ୍ଟା, ଅର୍ଥାତ ଘଣ୍ଟାକେ 36 କିଲୋମିଟର ବେଗ ଯାଏ, ତାହେଲେ ତା'ର ବେଗ m/s କେତେ ହେବ ହେଲା। ମିଟର ଆମେ କିଲୋମିଟର, ଦେଖ 36 କିଲୋମିଟର/ଘଣ୍ଟା ବୋଲେ 36 / 1 ଘଣ୍ଟା ହେଲା। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, m/s କରିବା। m/s ପ୍ରକାଶ କଲେ 36 କିଲୋମିଟର, ଏଇଟା କିଲୋମିଟର, ଏଇଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବା, 36 କିଲୋମିଟରକୁ m/s ପ୍ରକାଶ କରିବା। 36 କିଲୋମିଟର କେତେ ମିଟର, 1 କିଲୋମିଟର ସମାନ 1000 ମିଟର, ତେଣୁ 36 କିଲୋମିଟରକ 36,000 ମିଟର।
विभक्त एक घंटा कहूँ केते सेकेंड ना 3600 सेकेंड है यहाँ होगा मीटर यहाँ होगा सेकेंड एवे कटाकटी कर दियो काटिदेले के 3600 के 3600 बोले 10 बोले 10 मीटर प्रति सेकेंड ताले तार मीटर प्रति सेकेंड बेग के 10 मीटर प्रति सेकेंड। देख सी नंबर ऑप्शन टी ठीक अच्छे। एवे आम परवर्ती प्रश्न आलोचना करवा। परवर्ती प्रश्न अच्छी 4 नंबर प्रश्न। गोटे यात्रीवाही बस राति 9:30 भुवनेश्वर छाड़ला और परदिन सका 5 संबलपुर पहुँचला तेबे बस टी को संबलपुर पहुँचवाक केते समय लगला। देख यात्रीवाही बस टी छाड़ा के सका ए राति 9:30 एवं पहुँचला ता पर दिन सका 5 हला। तेबे आमे जेहेतु छाड़ीबा समय राति 9:30 एवं पहुँचवा समय ता पर दिन सका 5 तेणु आमे 9:30 रु राति 12 पर्यंत केते समय आमे आग बाहर करिबा हला। एको एमती समाधान करिबा जे राति 9 राति 9:30 रु राति 12 हला राति 12 पर्यंत के समय ना कौन करवा 12 रु 9:30 व्यय करवा हला 12 रु व्यय करवा 9:30 हला। ए देख 0 रु 30 जीवन तेणु ए घंटा घर 1 घंटा मिनिट घर को आने 60 मिनिट हो गला। 60 मिनिट रु 30 मिनिट व्यय कले 30 मिनिट एवं घंटा घर रहा 11 घंटा 11 घंटा रु 9 घंटा गले 2 घंटा बोले 2 घंटा 30 मिनिट है राति 12 पर्यंत। एवं राति 12 सका 5 पर्यंत ना राति 12 रु सका 5 है ये केते घंटा ना 12 पर समय गणना 1 रु आरंभ हो तेणु राति 12 रु सका 5 पर्यंत 5 घंटा तेणु आम ए कौन करवा ये है 5 घंटा तेणु ये 5 घंटा को आम 2:30 जोग करद तेणु 5 घंटा जोग करदे के 7:30 है 7:30 समय लगे। आमर घ ऑप्शन टी ठीक अच्छे। एवे परवर्ती प्रश्न 5 नंबर प्रश्न अच्छी। गोटे कार सका 6 भुवनेश्वर रु बाहरी से ही दिन सका 9:30 पुरी रे पहुँचला तेरे पुरी रे पहुँचवाक के समय लगे। आम समय बाहर करवा सब समय अवधि निर्णय करने आमे कौन करवा ना कार्य शेष करवा समय रु कार्य आरंभ करवा समय को व्यय करवा तेरे ये कारटी 6 भुवनेश्वर रु बाहर तार बाहर समय है सका 6 एवं पुरी रे पहुँचला 9:30 सब से सका 9:30 एम समय अच्छी तेणु आम पहुँचवा समय रु छाड़ समय को व्यय करद बोले 9:30 रु 6 व्यय करवा बोले के 3:30 बोले 9 रु 6 गले 3 बोले 3:30 3:30 आमर ए ऑप्शन रही ए ऑप्शन टी ठीक। 300 किलोमीटर दूरता को 6 घंटे अतिक्रम करे ट्रक टीर घंटा प्रति बेग के देख 300 किलोमीटर को 6 घंटा तार बेग बाहर करवा। ये 300 किलोमीटर है
केते डिस्टेंस दूरता हैला दूरता रही 300 किलोमीटर डी और समय हला 6 घंटा टी इज इक्वल टू हैला एटा टी और डाला डी तेबे हमको बाहर करिया पड़ियो कौन समय वेग बाहर कर परबो स्पीड वेग बाहर करिया पे सूत्र हला कौन डी बाय टी बोले दूरता गुण समय ए हरण समय बोले दूरता हला केते 300 हरण 6 ना नहीं तेणु 300 को 6 रे हरण कले 6 × 5 = 30 आ गोटे शून्य ताले 50 किलोमीटर प्रति घंटा तार वेग हला घंटा प्रति वेग 50 किलोमीटर हमरो सी ऑप्शन टी रहिती ठीक एबे रहिती सप्तम प्रश्न सप्तम प्रश्न रही कौन गोटे रेलगाड़ी घंटा प्रति बेग 60 किलोमीटर तेबे 480 किलोमीटर दूरता अतिक्रम करिया पाई ताकु केते समय लागिवो हला से रेलगाड़ी बेग अछि बेग स्पीड हला एस इज इक्वल टू केते 60 किलोमीटर 480 किलोमीटर हटा हला डिस्टेंस डी डी इज इक्वल टू 480 किलोमीटर ताले हमको बाहर करबा को अछि कोन समय समय बाहर करिया पई कोन दूरता विभक्त वेग हला बोले दूरता को वेग रे भाग करबा बोले 480 विभक्त 60 शून्य को शून्य कटि गला एबे 48 को 6 रे भाग करले 6 × 8 = 48 अतएव ताकु 8 घंटा समय लागिवो हमर सी ऑप्शन टी ठीक अछि एबे परवर्ती प्रश्न देखिबा 8 नंबर प्रश्न विश्वास 30 सेकंड रे 180 मीटर पहरी पारे तार गति एक घंटा रे केते हेबो देखो 30 सेकंड रे 180 मीटर ताले तार घंटा प्रति वेग आमे बाहर करबा एक घंटा रे केते दूर जीवो घंटा को आउची केते सेकंड ना 3600 सेकंड ताले 30 सेकंड रे जाउची केते 180 किलोमीटर ताले 36 सेकंड रे केते दूर जीवो एदा हला 100 देखो 30 सेकंड रे जाउची देखो 30 सेकंड रे जाए 180 किलोमीटर ए 180 मीटर हला ताले 1 सेकंड रे केते दूर जीवो ना 1 सेकंड रे जीवो 180 विभक्त 30 है ने बोले काटि देले 318 बोले 6 मीटर हमदे हला 6 मीटर 1 सेकंड रे से 6 मीटर पहुंच के जाए ताले घंटा कहउची 1 घंटा समान 3600 सेकंड 3600 सेकंड ताले से 3600 सेकंड रे केते दूर जीवो ना 3600 × 6 3600 × 1 सेकंड यदि 6 मीटर 3600 सेकंड रे 3600 × 6 बोले 600 × 3 = 3 3 × 18 = 21 एति 21000 600 मीटर एको आमे किलोमीटर कर दो आमे जाने जे किलोमीटर कले कोन करबा 1000 रे भाग करबा बोले आको 1000 रे भाग कले तीनोटी अंक छाड़ी के दशमिक दे दवा बोले 21.6 किलोमीटर तबे तार घंटा प्रति वेग हे गेला केते 21.6 मीटर हमरो एक ऑप्शन टी ए ऑप्शन टी ठीक अछि एबे परवर्ती प्रश्न गोटिए ट्रेन घंटा को हाराहारी 80 किलोमीटर वेगरे गले 320 किलोमीटर जीवा को केते समय लागिवो हाराहारी वेग होती तार केते
80 किलोमीटर ताले 320 किलोमीटर होती तार माने दूरता तबे दूरता बाहर करिया पई समय बाहर करिबा समय बाहर करिया पई कण दूरता विभक्त बेग एटी दूरता होती केते 320 बेग हला केते 80 किलोमीटर तबे आ कोन करबा शून को शून काटी दियो 8 × 4 = 32 बोले 4 घंटा अतएव 4 घंटा समय लगे आमर सी ऑप्शन टी ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न अच्छे आमर 10 नंबर प्रश्न एथिरे गोटे लोक घंटा प्रति 18 किलोमीटर बेगरे गले से अध घंटे केते बाट जीव देख घंटा प्रति बेग होची 18 किलोमीटर तर घंटा प्रति बेग हला 18 किलोमीटर ताले से अध घंटा रे केते बाट जो घंटा को जदि 18 किलोमीटर जाउची अध घंटा रे तार अधा रास्ता जीव तेणु 18 रो अधा केते 9 तबे 9 किलोमीटर हला डी ऑप्शन टे हमरा ठीक 9 किलोमीटर रास्ता जीव। परवर्ती प्रश्न अछि 11 नंबर प्रश्न हला 11 नंबर प्रश्न गोटे रेलगाड़ी घंटा को 60 किलोमीटर बेगरे सका 10:30 स्टेशन छाड़ला क्यों समय रे एहा 195 किलोमीटर अतिक्रम करिवो एठी सेमती रेलगाड़ी घंटा को घंटा प्रति बेग होची 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर बेगरे से जाए सका 10:30 से स्टेशन छाड़ला एवं ताको अतिक्रम करने को अच्छे 195 किलोमीटर ताले क्यों केते समय रे पहुँचव क्यों समय रे केता बाजित होते बेले हला देखो ये 195 किलोमीटर को से केते समय रे अतिक्रम करिवो आमे समय बाहर करिवा समय बाहर करिया पे हेले कौन दूरता को बेगरे हरण करिवा ताले दूरता हला 195 विभक्त बेग हला 60 हला 195 को 60 रे भाग करिवा देख 15 रे भाग कर एको 15 रे भाग कले 15 × 3 = 45 15 × 4 = 60 एको 15 रे भाग कले 15 × 19 भाग कले बढ़ला 4 × 45 = 15 × 3 = 45 बोले 13 ভক্ত 4 ঘন্টা হলা ই 13 ভক্ত 4 ঘন্টা কহিলে 13 ভক্ত 4 ঘন্টা বলে আকু কোন করিবা আমি মিশ্র করে দিও 4 × 12 = 3 পূর্ণ 1 ভক্ত 4 ঘন্টা অর্থাৎ 3 ঘন্টা आउ 1 ভক্ত 4 कहले घंटा कर 4 ভাগৰু ভাগে घंटा को 4 ভাগ कले घंटा को 60 মিনিট 60 মিনিট को 4 ভাগ कले 15 মিনিট बोले 3 ঘন্টা 15 মিনিট हला बोले 3 ঘন্টা 15 মিনিট समय रे से अतिक्रम करिव 195 किलोमीटर रास्ता ताले पहुँचव केते बेले ना से 10:30 रे छाड़ी हला 10:30 रे स्टेशन छाड़ी पहुँचव तार 3 ঘন্টা 15 মিনিট पर तेब आम कौन करवा 10:30 रे 3 ঘন্টা 15 মিনিট जोग करदे 30 15 मिसले 45 মিনিট एवं 10 × 3 = 13 13 × 45 कहले आमर 1 ঘন্টা गोटे 45 हला 1:45 PM बोले अपराह्न गोटे 45 रे से पहुँचव मोर डी ऑप्शन टी ठीक अच्छे। देख आम डी ऑप्शन ठीक अच्छे। नंबर प्रश्न गोटे रेलगाड़ी सका 8:30 रे स्टेशन छाड़िला छाड़े एक निर्दिष्ट स्टेशन रे पहुँचा पाई ताकू 9 ঘন্টা 15 মিনিট समय लगे
ରେଳଗାଡ଼ିଟି 25 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତେବେ କେତେବେଳେ ସେ ଉକ୍ତ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବ? ଦେଖ ତାର ନଉଛି ହେଲା, ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 9 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଏବଂ 25 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ତେବେ ବିଳମ୍ବ 25 ମିନିଟ୍କୁ ଆମେ ସେ 9 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ରେ ଯୋଗ କରିଦେବା ହେଲା। ଯୋଗ କରିଦେଲେ 5 ରେ 5 ମିଶିଲେ 10, 0 ରଖିଲା 1, 3 1 4, 9 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍, 9 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବ ଷ୍ଟେସନରେ। ତାହେଲେ ବାହାରିଛି ସେ କେତେବେଳେ ଷ୍ଟେସନରୁ? 8:30 ସକାଳ, 8:30 ବାହାରିଛି, 8:30 ଏଇ 9 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍କୁ ଯୋଗ କରିଦେବା ହେଲା। ବୋଲେ 8:30, 9 ଘଣ୍ଟା 40 ଆଉ 8:30 ଯୋଗ କରିଦେଲେ କେତେ ହେଲା ନା, 0, 4, 3 ମିଶିଲେ 7 ଏବଂ 9, 8, 17 ବୋଲେ 17 ଘଣ୍ଟା 70 ମିନିଟ୍। ଏଇ ଯେଉଁ 70 ମିନିଟ୍ କ ଆମେ ଆକୁ ଘଣ୍ଟା କରିଦେବା, ଘଣ୍ଟା କଲେ 70 ମିନିଟ୍ କ 1 ଘଣ୍ଟା 60 ମିନିଟ୍, ବୋଲେ 17 ଘଣ୍ଟାଟା ହେଇଯିବ 18 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ୍। ଏ 70 ମିନିଟ୍ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ବୋଲେ 18 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ୍ ଆକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇଟା 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସମୟ ହେଲା ହେଲା, 18 ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଏଇଟା ହେଲା 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସମୟ ହେଇଗଲା। ବୋଲେ ସମୟ କେତେ ହେବ? ତାହେଲେ ଏଠି ସବୁ ସମୟ ଗୁଡ଼ା 12 ଘଣ୍ଟିଆ ସମୟରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରୁ 12 ଫେଡ଼ିଦେବା। 12 ଫେଡ଼ିଦେଲେ 18ରୁ 12 ଗଲେ 6:10 PM ଅତେବ ସେ 6:10 PM ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏ 6:10 PM ଆମର ଏ ଅପସନରେ 7:30 ଅଛି, 6:45 ଅଛି, 7:30, 6:45 ଅଛି, କିନ୍ତୁ 6:10 PM ନାହିଁ ହେଲା, ଅପସନରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 6:10 PM ସେ ପହଞ୍ଚିବ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆମର 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ରେଳଗାଡ଼ି ସକାଳ 6:40 ଛାଡ଼ି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନରେ ସକାଳ 8:25 ପହଞ୍ଚିଲା, ଉକ୍ତ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ରେଳଗାଡ଼ିକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା? ଦେଖ ସେ ଛାଡ଼ିଲା କେତେବେଳେ? 6:40 AM ହେଲା, 6:40 AM ସେ ଷ୍ଟେସନ ଛାଡ଼ିଲା ହେଲା, ପହଞ୍ଚିଲା ସେଇ ସକାଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନରେ, ସକାଳ 8:25 ପହଞ୍ଚିଲା। ବୋଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରୁ ଛାଡ଼ିବା ସମୟକୁ ବ୍ୟୟ କରିଦେବା, ଦୁଇଟି ଯାକ ସମୟ ଏଏମ୍ରେ ଅଛି, ସକାଳେ ଅଛି ହେଲା, ତେଣୁ 8:25 ଆମେ 8:25 ଫେଡ଼ିଦେବା 6:40 ହେଲା। ଦେଖ 25 ରୁ 40 ଫେଡ଼ି ହେବନି, ଏ 8 ଘଣ୍ଟାରୁ 1 ଘଣ୍ଟା ଏପଟକୁ ଆଣିବା ମିନିଟ୍ ଘରକୁ, ମିନିଟ୍ ଘରକୁ ଘଣ୍ଟାଟା ଆସିଲେ 60 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଏବଂ 60 ମିନିଟ୍ରେ 25 ମିନିଟ୍ ଯୋଗ କରିଦେଲେ 85 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା ଇଏ, ତେଣୁ ହେଲା 85 ମିନିଟ୍, ଏପଟେ ଆଉ ରହିଲା 7 ଘଣ୍ଟା। ବୋଲେ 85 ରୁ 40 ଫେଡ଼, 5 ରୁ 0 ଗଲେ 5, 8 ରୁ 4 ଗଲେ 4, 45, 7 ରୁ 6 ଗଲେ 1, ବୋଲେ 1 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ସମୟ ତାକୁ ଲାଗିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆମର ଡି ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଏବଂ ମୋର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଇ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଥିବା ଲିଙ୍କ୍କୁ ଯାଇକି ଆମେ ନବୋଦୟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟର ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।